यार ये जो लोकेशन है ना भाई, बहुत सेक्सी लोकेशन, बहुत गजब लोकेशन है। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। आई होप सर कैंड हो गए। सो आज हम सर्चिंग करते हुए आए हैं बारा कैंप, जो कि नटनी का बारा में अलवर के बिल्कुल पास है। नटनी का बारा तो वहाँ पर एक लोकेशन है बारा कैंप करके, तो वहाँ पर कैंपिंग साइट है बहुत अच्छी। सो आज उसको एक्सप्लोर करने आए हैं। तो बट एक्सप्लोर करते करते क्या हुआ कि अभी हम रस्ते में निकल रहे थे तो यार इतनी अच्छी लोकेशन हमको दिखी, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसको शूट किया जाए। भाई सीरियसली आप देखो, एक अमेजिंग लोकेशन है। तो मैंने सोचा कि यार हल्की मोटी सी ऑफ रोडिंग ही कर लेते हैं। इधर में ये जो पानी है इसमें से थोड़ी सी गाड़ी वाड़ी निकालेंगे तो अच्छे शॉट से आ जाएंगे। क्यों नहीं निकलेगी भाई, निकालेंगे। पुष्पा नोट थार ब्रो। अरे रील बनाना था भाई। भाई रील मत बनाओ, आप मजे लो हमारी जिंदगी के। थोड़ा सा यार रोक देना, रोक देना, रोक कर, रोक कर, होल्ड कर दो। फुल पावर गाइस, फुल पावर। भाई हमको तो फुल मजा आ रहा है। चलो अब गाइस फटाफट से निकलते हैं यहाँ पे कैंपिंग साइट जो हमारी बारा कैंप, उसको एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। भाई देखा फुल पावर, देखा फुल पावर। भाई इतना मजा आ रहा है ना इधर चलाने। अब बार बार मत करो यार, बहुत हो गया तुम्हें। तुम्हें मतलब थोड़ी छूट क्या मिल गई, जगह क्या मिल गई, चालू हो गए। यार ऑफ रोडिंग का मैं जितना बड़ा फैन हूँ ना वो मेरे को भी पता है और बाकी ऑडियंस को भी पता ही है। और मेरे को इतना मजा आता है ना उल्टी सीधी गाड़ी घुसाने में, बहुत मजा आता है यार। सो गाइस ये नितिन भैया, यहाँ के ओनर बारा कैंपिंग साइट के ओनर। सर और भैया हम तो एक एम्प्लॉई की तरह। नहीं सर, ओनर ओनर ही होता है। ये बात अच्छी है कि आप एम्प्लॉई बन के काम करते हो। बस बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। अरे 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 इसको लो ढंग से भाई, इसके हाथ वाथ बाहर निकाल दो। सो भैया हमको विजिट करवाने वाले हैं इनकी कैंपिंग साइट। देखिए ये कैंपिंग साइट है इधर में, और इधर में बैक साइड में देखिए बिल्कुल रिवर। इसको रूपा रेल रिवर के नाम से जाना जाता है। रिवर देख रहे हो ना, इस रिवर का नाम है रूपा रेल रिवर। सो ये बेसिकली राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक है। एक जनरल नॉलेज में जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट करते हो राजस्थान के, तो एक सवाल आता है उसके अंदर कि जो रूपा रेल रिवर है इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो बताते हैं वो थानागाजी है। थानागाजी होने का कारण क्या है कि ये उदयनाथ जी का एक आश्रम है वहाँ पे जंगल के बीच में। तो ये रिवर जो है वहाँ से स्टार्ट होती है, और वो जो जगह है पर्टिकुलर वो पड़ती है थानागाजी तहसील में। अच्छा, इसीलिए उसका जो आंसर है वो थानागाजी आता है। और ये पूरे सरिस्का से जंगल, पूरे जो सरिस्का का जंगल है उसमें से होते हुए रिवर बनती है धीरे धीरे। मानसून रिवर है बेसिकली ये। इसका जो आप पॉइंट देख रहे हो ये एग्जिट पॉइंट है इस जंगल का। ये यहाँ से जो रिवर है इसका डिवाइडेशन हुआ है। सो राइट हैंड साइड वाला पानी जाता है भरतपुर, एंड लेफ्ट हैंड साइड वाला पानी जाता है अलवर जैसमंद बांध। सबसे खास बात क्या है कि ये जो रिवर है ये भरतपुर से जाने के बाद आगे यमुना में मिलती है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसके पीछे दो तीन स्टोरीज और हैं नटनी का बारा की पर्टिकुलरली। एक महाराजा जयसिंह जी की स्टोरी है जिसकी वजह से नटनी का बारा पॉपुलर है, और दूसरी नटनी की स्टोरी है। अच्छा। और ऐसा ही कहता है इसी तरीके से अलवर में एक जगह, मतलब एक कम्युनिटी है नट। तो ये नट जो होते हैं समुदाय क्या करते हैं कि बेसिकली आप एंटरटेनमेंट करके लोगों का पालन पोषण करते हैं, अपने पे बच्चे पालते हैं उसी तरीके से अपने परफॉर्मेंस देते हैं वो रस्सी पे चलना वलना ये सब कुछ परफॉर्म करके। तो उसी तरीके से उस टाइम में जो फीमेल लेडी होती है उसे कहते हैं नटनी। तो जो नटनी थी वो बेसिकली यहाँ पर कर्तव्य दिखाती थी, उनकी जो पूरा समुदाय यहाँ पर कर्तव्य दिखाता था। सो ये जो आप पहाड़ देख रहे हो ये वाला राइट साइड में छोटा वाला पहाड़, इस छोटे वाले पहाड़ से, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो शिव जी का मंदिर बना पड़ा है छोटे वाला पहाड़ का, इसकी रस्सी, इस पे, इस पर कहते हैं कि एक कहते हैं कि वो कच्चे सूत के धागे पे चली थी, लेकिन एक्चुअली ऐसे है नहीं, साइंटिफिकली भी ये पॉसिबल नहीं है। तो एक रस्सी पर जो
जो है वो नट्टी चली थी, और हुआ क्या था कि उसने पूरा करतब अच्छा दिखाया था, नटनी का एक बच्चा था तो बच्चा नीचे ही छोड़ा था, तो जब वो पूरा करतब दिखाने के बाद जब नटनी नीचे आई तो ये ख्याल करते करते उसको हार्ट अटैक आ गया। अगर मैं ऊपर से गिर जाती तो मेरे बच्चे का क्या होता, तो अच्छा। अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और दूध पिलाते पिलाते हाँ, वो कोई उसके मतलब जो बगल में कोई बैठा हुआ था तो ये बोलते ये शब्द बोलते हुए उसको हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं मर गई। अच्छा अब इंटरेस्टिंग फैक्ट, नटनी का 12, नटनी तो समझ में आ गया, अभी 12 12 कहाँ से, सो 12 वाटरफॉल जो नाम आया वो भी कहाँ से आया। सो बेसिकली गांव की भाषा में नाली को हम बोलते हैं बारी, बारी और नाला को हम बोलते हैं बारा, तो ये दो पहाड़ों के बीच में एक पानी का नाला है जो बेसिकली बहुत ही बेहतरीन तरीके से मानसून में चलता है, तो इसलिए इसका नाम नटनी का 12 पड़ गया। अच्छा तो ये कहानी है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बाकी सीरियसली क्या अमेजिंग इंटरेस्टिंग भाई, हम अलवर में रहते हुए इतनी बातों को ना नहीं जानते थे, भैया ने यार बहुत एक अच्छी स्टोरी बताई है जो हमको याद रहेगी हमेशा, अमेजिंग। सो भैया अभी थोड़े से कैंप साइट दिखा देते हैं। ये बेसिकली क्या है कि अलवर का पहला और इकलौता कैंपिंग साइट है, रिवर साइड कैंपिंग पार्क, रिवर साइड, और यहाँ पर बेसिकली क्या है कि हम कैंपिंग कराते हैं, अपर पार्ट जो है वो हमारा गार्डन रेस्टोरेंट है, नीचे वाला पार्ट जो है कैंपिंग फार्म है, तो यहाँ पर हम दो कैटेगरी के अंदर हमारे पास कैंप्स हैं। बेसिकली पहला है डेकैथलॉन के बैकपैकिंग कैंप जो आते हैं, बेसिकली 3-person कैंप है जिसके अंदर हम प्रॉपर 6x6 का होटल बेडिंग देते हैं आपको, प्रॉपर जिस तरीके से होटल में आपको बेडिंग मिलता है उस तरीके से, और साथ में जो दूसरे कैंप है ये बेसिकली ग्लैम्पिंग कैंप है, ये कॉलमैन के कैंप है, बेसिकली US बेस्ड कंपनी है जो कैंपिंग में एक्सपर्ट है, कैंपिंग इक्विपमेंट हाइकिंग इक्विपमेंट्स बनाती है, तो उन्हीं के कैंप है। तो बेसिकली ये जो आप कैंप देख रहे हैं 13 feet by 13 feet का कैंप है, सो अंदर बहुत ही स्पेशियस साइज आपको मिल जाता है, इसके अंदर हम आपको प्रॉपर बेड्स पे बेडिंग करके देते हैं, साथ में टेबल चेयर का सेटअप मिलता है, साइड टेबल जिसमें आपको मिल जाती है, सो एक काइंड ऑफ अ मिनी रूम हो जाता है। सो हमने एक कैंपिंग का थोड़ा सा ग्लैमरस फील देने के लिए इसका नाम रखा है ग्लैम्पिंग, जो नाइस नेम। और जो छोटे वाले कैंप्स हैं वो बैकपैकिंग कैंप्स हैं बेसिकली, हां वही होता है। एक्चुअली क्या है कि ये इस तरह का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर इसलिए लेके आए क्योंकि जब आप यहाँ पर एंटर होते हो नीचे वाले गार्डन में पर्टिकुलर आने के बाद आपको चारों तरफ 360 डिग्री पहाड़ों का व्यू देखने को मिलता है, और जो ये एक रिवर है जो मानसून रिवर है ये आपको थ्रू आउट द ईयर इतना पानी आपको मिलेगा ही मिलेगा, सो इसीलिए हमने सोचा कि एक अलवर का सस्ता ऋषिकेश बनाया जाए। हालांकि राफ्टिंग नहीं कराते लेकिन कुछ कुछ चीजें मिलती हुई है, लेकिन जब अपने पास जगह है तो क्यों ना उसका यूज लिया जाए, तो इसीलिए हमने सस्ता ऋषिकेश दे दिया। बाकी गाइस बहुत बेस्ट प्लेस है यार ये, ठंड के टाइम में आपको जो है ऋषिकेश वाली ठंड का एहसास हम यहाँ पर फीलिंग आ जाएगी उस टाइप की, मतलब कहीं आपको कैंपिंग करने के लिए अलवर वालों बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अलवर में ही अपने पास अवेलेबल है चीज। ये था सारा कैंपिंग साइट का ब्यौरा जो हमारे नितिन भैया ने दिया है, भाई अमेजिंग प्रॉपर्टी है यार, बहुत ही अमेजिंग, अलवर में इससे अच्छी प्रॉपर्टी भाई रियली कोई नहीं मिल सकती यार, कैंपिंग साइड के लिए अगर आपको कैंपिंग के लिए चाहिए तो इधर में पूरा रिवर साइड व्यू और चारों तरफ जो हिली एरिया देखो, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ, और एक अच्छी इसकी कह सकते हैं कि हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, तो आई थिंक अमेजिंग प्लेस है यार, 10 out of 10 आप लोग विजिट करना। क्या हो गया भाई, भाई क्या हो गया भाई, भाई सेल्फी प्लीज, भाई सेल्फी प्लीज, भैया भैया प्लीज सेल्फी। तो नितिन भैया प्रॉपर्टी तो आपने दिखा दी, प्रॉपर्टी तो आपने बता दी, तो थोड़े से चार्जेज इसके बता दीजिए हमको यार। सर देखिए जो हमारा बैकपैकिंग कैंप है सर वो लगभग हमारा 2500 पाउंड डबल ऑक्यूपेंसी इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड टैक्सेस। अच्छा, जो ग्लैम्पिंग कैंप आप देख रहे हो सर इसका रहेगा बेसिकली 4000 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड टैक्सेस सर। ओके, सो ऑन डबल ऑक्यूपेंसी है, दो लोग एक में स्टे कर सकते हैं सर, ये दो लोगों का स्टे का चार्ज है, बाकी हमारे पास बॉनफायर फैसिलिटी भी है, बारबेक्यू भी है, ट्रैकिंग भी हम प्रोवाइड कराते हैं, और एक नेचर ट्रेल भी है हमारे पास में प्रॉपर्टी के नेक्स्ट में, तो वो भी करवाते हैं सर। ट्रेल है? हाँ सर, नेचर ट्रेल हमने बनाया हुआ है जहाँ पर क्रोकोडाइल ना, वो ऑफ रोडिंग करके हो गया कैसे, मतलब सर ऑफ रोडिंग नहीं है। अच्छा, अच्छा। नेचर ट्रेल है जिसमें हम आपको क्रोकोडाइल की, टर्टल की, और जो बर्ड्स है माइग्रेटिंग बर्ड्स आती है उनकी साइटिंग कराते हैं। ओके ओके ओके, सो ये वो है सर बेसिकली, और बाइकर्स के ग्रुप्स भी हमारे पास आते हैं तो उनके लिए एक डिफरेंट ट्रेल है पांडुपोल टेंपल तक का। अच्छा, तो वो एक अलग है सर, वो सारा ऑफ रोड टाइप है, ऑफ रोड टाइप में, बाकी हम ट्रैकिंग वगैरह भी करवाते हैं नलदेश्वर महादेव जी तक। अच्छा, तो अच्छा, वो भी हमारा ट्रेल में ही शामिल है। तो ये चार्जेस इंक्लूडेड थोड़ी रहते हैं सर, एक्सक्लूड है, चार्जेस रहते हैं। हम जैसे ब्रेकफास्ट भी करवाते हैं, जैसे जो हमारा नेचर ट्रेल है उस पर भी हम ब्रेकफास्ट करवाते हैं लेके जाके। अच्छा अच्छा, और साथ में जो नलदेश्वर महादेव जी है वहाँ पर भी हम महादेव जी के मंदिर पे लेके जाके भी वहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं, वो सारा एडिशनल चार्जेस पे रहता है सर, डिपेंड करता है कि आपके ग्रुप के मेंबर्स कितने हैं, तो उसी हिसाब से सारा का सारा रेट डिसाइड होता है। ओके ओके, सो गाइस जरूर विजिट करना 12 कैंप नटनी का 12 के पास, अलवर से थोड़ी सी आगे, कोई ज्यादा खास डिस्टेंस नहीं है अलवर से। और फूड आइटम की बात करें ना तो यहाँ का जो बेस्ट इनका फूड है ना वो है दाल टिक्कड़, भाई अमेजिंग, आप जरूर अगर यहाँ पे आते हो ना तो जरूर इनसे दाल टिक्कड़ के बारे में। यहाँ के है ना, अगर आप लोग आ रहे हो ना तो स्पेशल मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को पहाड़ी पकौड़े, सॉरी जंगली पकौड़े, पहाड़ी नहीं जंगली पकौड़े यार, सीरियसली खाने के बाद में ना
भाई मेरे को तो दिल से बहुत पसंद है वो, मजेदार। और गाइस बच्चों के लिए देखो यहाँ पर खूब एंटरटेनिंग पर्पस के लिए इतने अच्छे अच्छे यहाँ पर झूले वगैरह और सब कुछ यहाँ पे लगा रखा है। सो गाइस ये प्रॉपर्टी है, ये इसका फ्रंट है उधर से, और ये जैसे आप अलवर से इस साइड से आओगे ना तो भाई ये रास्ते में ही ऑन रोड है, ऑन हाईवे। सो अमेजिंग प्लेस है गाइस। अब अगर आपने कैंपिंग साइट के लिए अलवर में कुछ देख रहे हैं तो भाई इससे बढ़िया जगह आपको कहीं नहीं मिलने वाली, जरूर से विजिट करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना गाइस, और दबा के शेयर कर देना, दबा के। ठीक है भाई नितिन सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्लेजर टू मीट यू प्रीशियस टाइम। अरे नहीं सर, आपका प्रीशियस टाइम है। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।